हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे निकॉन Z7 मिररलेस कैमरा की। रिसेंटली निकॉन ने मेरे को ये अपना जी सीरीज़ का Z7 मेरे को कैमरा टेस्ट करने के लिए दिया, रिव्यू करने के लिए दिया। एक्चुअली टू नॉट फॉर द टेस्ट, सो दे गेव मी दिस निकॉन Z7 एंड दे सेड के आप देखिए, आप ट्राई करिए, शॉट्स देखिए, डिटेल्स देखिए, ISO चेक करिए एंड हमें बताइए कि ये कैमरा कैसा लगा आपको, आपको रिव्यू कैसा लगा इसका। सो बिफोर आई विल स्टार्ट अबाउट के अबाउट द शूट के हम ऑन फील्ड जाके इसको ट्राई करूँ मैं इसको, उससे पहले मैं आपको कुछ इसके फीचर्स बताना चाहूँगा जो इसके नॉर्मल फीचर्स हैं जो यू नो आपको हर जगह पर मिल जाएंगे, और कुछ ऐसे फीचर्स जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे जब मैंने इसके अंदर देखा। तो इसके अंदर कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स। सो निकॉन Z7 जो आपका कैमरा है वो मिररलेस फुल फ्रेम है एंड 45.7 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये आई एम यूजिंग राइट नाउ निकॉन D800 विच इज अराउंड 36 मेगापिक्सल। सो ये उससे 9 मेगापिक्सल ज़्यादा है, एक्चुअली 9.7 मेगापिक्सल ज़्यादा है। इसके अंदर 5x वाइब्रेशन रिडक्शन है। आपकी जो वीडियो जब आप बनाते हैं तो ये वाइब्रेशन जो आपके स्टेबलाइजेशन होता है वो 5x का है। इसके अंदर 4K अल्ट्रा HD वीडियोस रिकॉर्ड करता है ये। इसके अंदर 493 AF पॉइंट है विच एक्चुअली अट्रैक्ट मी, क्योंकि 493 इसका मतलब अगर मैं कोई पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ तो मैं माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को फोकस कर रहा था, मुझे उसकी आँख फोकस करनी है तो वो भी बहुत ईजी फोकस हो सकती है। दैट इज समथिंग विच आई रियली लव इन दिस। 9 फ्रेम पर सेकेंड क्लिक करता है अगर आप इसमें एच हाई स्पीड में चले जाओ। इसके अंदर हाई स्पीड शूटिंग स्टाइल है, हाई मिडिल वाला जोन है और एक लो वाला है। लो वाले में आपको 2 से 3 शॉट भी मिलते हैं, लो और जो मीडियम वाला है उसमें आपको 5 ही कहीं मिलते हैं एंड जो आपका बिल्कुल हाई स्पीड है उसके अंदर आपको 9 फ्रेम पर सेकेंड मिलेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग विच रियली अट्रैक्ट्स मी अलॉट। वन थिंग विच आई रियली लव इन निकॉन Z7 दैट इज साइलेंट शूटिंग, क्योंकि साइलेंट शूटिंग है इसके अंदर और इसकी साइलेंट शूटिंग बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। मैंने अपने D800 D810 में यूज़ किया है, उनके साइलेंट बिना साइलेंट नहीं होते, बट इसका साइलेंट एक्चुअली इट्स टू मच साइलेंट। यू सी आप मेन्यू में जा सकते हैं, मेन्यू में जाके आपको साइलेंट मोड आपको ऑन करना पड़ेगा। मेन्यू में आप जाएंगे, फोटो शूटिंग सेकंड जो है, शूटिंग मेन्यू जो है सेकंड ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, आप उस पर जा सकते हैं। उसमें सबसे नीचे जाके आपको एक साइलेंट फोटोग्राफी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइलेंट फोटोग्राफी ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइलेंट फोटोग्राफी ऑप्शन है, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं एंड उसके बाद जब भी आप इसको क्लिक करेंगे सो यू कैन सी कि मैंने आपका फोटोग्राफ ले लिया है इस वक्त, बट आपके को बिल्कुल भी साउंड नहीं है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक्चुअली में मेरे कैमरा ने फोटोग्राफ्स ली है। अब देखिए यहाँ पे आपकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स कैप्चर हुई हैं जो मैंने कैप्चर करी है इस वक्त। सो साइलेंट शूटिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आई रियली लव इट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर जब मेरे को इन्होंने कैमरा दिया था सुबह और जब मैं इसका चेक कर रहा था तो मैंने साइलेंट शूटिंग वाला मोड ऑन किया, मैंने ऐसे करके कैमरा लगाया व्यू पॉइंट से, मैंने क्लिक किया, मैंने कहा क्लिक क्यों नहीं कर रहा, फोकस नहीं कर रहा। जब मैंने देखा तो एक्चुअली मैं उसने फोटोग्राफ ले ली थी। सो मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा साइलेंट है ये निकॉन Z7 में, कि बहुत ही ज़्यादा कॉर्पोरेट शूट में काफ़ी काम आ सकता है, वेडिंग फोटोग्राफी में काफ़ी अच्छा काम आ सकता है, जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा काम आ सकता है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स को पता नहीं चलेगा आप उनको क्लिक कर रहे हो। सो दिस इज समथिंग विच आई रियली लव इन Z7। उसके अलावा इसके अंदर न्यू टाइम लैप्स शूटिंग मोड है, उसके अंदर काफ़ी एक दो फीचर्स और इन्होंने बनाए हैं। इसके अंदर जो फीचर्स हैं मिकी जो टाइम लैप्स इंटरवल शूटिंग वाला या फिर टाइम लैप्स की अगर आप बात करें, दो ऑप्शन होते हैं। आई मोस्टली शूट इन इंटरवल ऑप्शन पे ना, क्योंकि मुझे प्रोसेस PC पे ही करना है, मुझे लाइट रूम मुझे वो फोटोज सेपरेट फोटोज चाहिए, मुझे वो वीडियोज़ नहीं चाहिए कि मेरा कैमरा इनबिल्ट सारी फोटोज़ को अपने आप नो कंबाइन करे, अपने आप एडिट करे और एक वो फाइनल प्रोडक्ट वीडियो के
मोड पे देते। आई लव टू कैप्चर ऑल द इमेजेस सेपरेटली, आई लव टू एडिट देम सेपरेटली ऑन लाइट रूम एंड देन मैं उनका एडोबी प्रीमियर या लाइट रूम के थ्रू मैं उसका वीडियोज बनाना पसंद करता हूँ। सो अगर आप लेकिन अगर आप इसको टाइम लैप्स वीडियो वाले मोड पे भी शूट कर रहे हैं तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एक जो ऑप्शन इसके अंदर आया है वो है आपका एक्सपोजर स्मूथिंग ऑफ एंड ऑफ ऑन, मतलब ये आपके 850 के अंदर भी है, मैंने सुना है 850 के अंदर भी सेम फीचर है, बट 850 से ज़्यादा बेटर इसका ये एक्सपोजर स्मूथिंग है। एक्सपोजर स्मूथिंग आपकी कब काम आती है, जब आप यू नो ऐसी कंडीशन में शूट कर रहे हो जब आपको पता है कि आपकी लाइट चेंज होगी, लाइक लेट सपोज अगर मैं सनराइज़ होने वाला है, मैं सनराइज़ होने से पहले और सनराइज़ होने के बाद तक के टाइम लैप्सेस बना रहा हूँ, तब मैं अगर तब ये फीचर काम आएगा, या फिर मैं अगर मैं डे से सनसेट तक का बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि डे है उसके बाद सनसेट होगा और मैं कि उसके बाद आपको आपका कैमरा बंद होगा, तो आपकी लाइट दिन से एकदम रात वाली आ रही है। लाइक मैं जो प्लान कर रहा हूँ अभी रमज़ान में कि आज जामा मस्जिद पे, वो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं नॉर्मली शाम के वक्त थोड़ा सा लगाऊं और उसके बाद रात तक का थोड़ा इवनिंग तक का मैं थोड़ा शॉट देखूं जो टाइम लैप्स मेरा आएगा। आई लव टाइम लैप्सेस, सो वहाँ पे एक्सपोजर स्मूथिंग का मेरे को पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि कितना ज़्यादा अच्छा है। यू विल सी दैट वीडियो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एज वेल, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे फ्लिकर नहीं आ रहा है आपकी फोटोग्राफी में, लाइट बहुत ज़्यादा चेंज होती है, कई बार आपको स्काई में भड़ करके चीज़ें दिखती हैं बनकुल होती हुई, सो वो आई थिंक वहाँ पे नहीं होगी। आई एम गोइंग टू शूट ऑन Aperture priority because I don't want to change my settings after every 10 minutes. So I hope कि ये कैमरा इतना अच्छा हो Aperture priority पे कि वो अपने आप सेटिंग्स को एज्यूम कर सके। मैं सिर्फ Aperture सेट करूँगा, आई एम गोइंग टू शूट ऑन F9 या मे बी F11। ISO मेरा अराउंड 200 होगा क्योंकि आई नो कि जब अंधेरा भी हो जाएगा तो आई नीड लिटिल बिट ऑफ लॉन्ग एक्सपोजर और 200 डे टाइम में भी वो काफ़ी अच्छा चलेगा। सो उसके बाद शटर स्पीड माई कैमरा विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द यू नो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल लाइट एंड आई विल सी कि कितना ज़्यादा अच्छा इसका डी फ्लिकर ये करता है फॉर एग्जाम्पल, कितनी अच्छी डिटेल्स ये देता है। तो उसमें से मैं कुछ एक दो फोटोग्राफ आपको स्क्रीन पे बाद में दिखाऊंगा, अभी जूम इन करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ी डिटेल्स क्वालिटी का पता चल जाए कि कितनी अच्छी क्वालिटी है निकॉन C7 की, बिकॉज आई हैवन टेस्टेड येट, आई एम नॉट श्योर कि कैसी क्वालिटी है इसकी। सो दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम टेस्टिंग निकॉन C7। उसके अलावा मुझे एक और फीचर जो इसके अंदर बहुत अच्छा लगा वो है टच एंड फोकस एंड लॉन्ग प्रेस टच एंड शूट। लाइक जब आप शूट कर रहे होते हैं लाइव व्यू पे तो आपकी स्क्रीन पे आपको ये एक जो LCD पे दिख रहा है, आप कहीं पे भी अगर आप प्रेस करोगे सो इट टेक द फोटोग्राफ, मतलब इट ऑटोमेटिकली टेक द फोटोग्राफ। सो विच फीचर इज़ रियली गुड एज यू सी कि इसने फोटोग्राफ ले लिया है, तो आप देख सकते हैं, तो आप कहीं पे भी क्लिक करोगे एंड इट विल टेक द फोटोग्राफ। इसके अलावा अगर आपको फोकस चेंज करना है, सपोज अगर कुछ यहाँ पे है बहुत आगे है और एक चीज़ बहुत पीछे है, तो आपने जैसे ही टच किया वो फोकस करने से पहले ही क्लिक कर लेगा, आपको वो आगे वाली चीज़ को फोकस करना है, सो जस्ट लॉन्ग प्रेस ऑन दैट एंड इट विल फोकस एंड उसके बाद आप छोड़ेंगे तो ये इट विल क्लिक। सो दिस इज समथिंग रियली हैंडी, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, आई टेस्टेड इट बिकॉज इट्स टू फास्ट, बिलीव मी इट्स टू फास्ट। मैंने क्लिक किया, मैंने जस्ट प्रेस किया, क्लिक प्रेस क्लिक, सो इट्स वेरी फास्ट, काफ़ी हैंडी है प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये जिन लोगों को प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने का शौक़ होता है, जिन लोगों को यू नो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग करने का शौक़ होता है, जब आप लैंडस्केप शूट करते हो सो यू वांट के आगे वाला फोरग्राउंड भी बहुत फोकस में हो, उससे पीछे वाला भी फोकस में हो, उससे पीछे वाला भी थोड़ा और पीछे और स्काई भी फोकस में, ऐसे आप डिफरेंट शॉट्स लेना पसंद करते हैं तो वहाँ पे ये टच एंड फोकस वाला काफ़ी काम आएगा। वेडिंग्स में अगर आप शूट कर रहे हो और आप आप फोकस पॉइंट नहीं लाना चाहते, आप ब्राइड की आँखों को फोकस करना चाहते हो, जस्ट लॉन्ग प्रेस वहाँ पे आँख के ऊपर एंड जस्ट लीव and will take the photograph. So this feature is really cool. I really love it. Another feature is focus wrap option. Focus wrap option का मतलब ये है कि इसके अंदर as I told you कि इसके अंदर 493 और focus point है. So यार left से right जाने में मतलब बहुत वाट लग जाएगी. अगर let's suppose अगर मेरा focus यहाँ पे है और मेरा subject यहाँ पे है तो मैं यहाँ से यहाँ ले जाने में ना मेरी बहुत वाट लग जाएगी. मैं कितनी देर तक दबा के रखूँगा या कितनी देर left दबाऊँगा तब तक तो subject ही निकल जाएगा. So एक जो focus
फोकस रैप ऑप्शन ये है कि आप जो अपना कर्सर है उसको राइट पे करिए तो आपका जो फोकसिंग पॉइंट है वो लेफ्ट से हट के डायरेक्टली राइट पे आ जाएगा. सो इट विल एक्चुअली मूव लाइक दिस, इट विल एक्चुअली मूव लाइक दैट. वर्टिकल में भी इट विल मूव एंड हॉरिजॉन्टली इट विल मूव. तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ इस यहाँ लेफ्ट साइड से एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट में जाने के लिए आप उसको राइट 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 दबा रहे हो. आप जस्ट press the left button and it will come to the left side. So this is also very good option क्योंकि मेरे D800 में कई कई बार होता है कि जब मैं शूट कर रहा होता हूँ और मेरा सब्जेक्ट एकदम लेफ्ट में आ जाता है तो मेरे को काफ़ी बार ना दबाना पड़ता है वो तो राइट से लेफ्ट में जाने में. सो दिस विल एक्चुअली हैंडी मेरी काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा हमारा और faster techniques हो जाएंगे हमारी शूट करने की. द बेस्ट ऑप्शन जो मुझे अब तक इसमें लगा जो कि मेरे लिए एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, लाइक आई ट्रैवल इन स्पिति. तो मैं सुबह निकलता हूँ और शाम या रात को मैं वापस आता हूँ एंड मेरी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है यू नो. तो कई बार सोचना पड़ता है जब बैटरी बिल्कुल लो एंड पे होती है ना, एक डंडा या दो डंडा बचे होते हैं तो आपको ना बहुत सोच समझ के शूट करना होता है क्योंकि आपको पता है यार आपकी दोनों बैटरीज ख़त्म हो चुकी हैं. आई हैव टू बैटरीज एंड कई बार ऐसा होता है कि मेरी दोनों दोनों बैटरीज तक ख़त्म हो जाती है क्योंकि कई बार जब मैं टाइम लैप्स से शूट करता हूँ तो मेरी बैटरी ख़त्म हो जाती है. तो ऐसे जगहों पे आपके पास चार्जिंग का ऑप्शन नहीं होता. आप माउंटेन्स में या कहाँ पहाड़ों में आप कैफेज तो मिलेंगे नहीं आपको, रोड साइड ढाबाज भी नहीं मिलते हैं वहाँ पे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है चार्जिंग का. बट द बेस्ट थिंग अबाउट मिररलेस और निकॉन Z7 के आप इनको पोर्टेबल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो. यहाँ पे आप अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका USB वाला सी टाइप USB है इसकी, जो आपके वन प्लस के क्या मोबाइल्स में लगती है, जो मेरे वन प्लस के मोबाइल में भी लगती है. तो उस वायर से आई कैन चार्ज इट, मैं इसको पोर्टेबल चार्जर पे लगा सकता हूँ एंड पोर्टेबल चार्जर पे लगा के आई कैन एक्चुअली चार्ज दिस कैमरा. सो विच इज़ अ रियली कूल ऑप्शन. अगर मेरे कार में चार्जर है, जो मोबाइल चार्जर्स जो आपके कार्स में आते हैं, आप उससे इसको चार्ज कर सकते हैं. सो नाउ आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द चार्जिंग ऑप्शन, ना कि मेरे को घर की ज़रूरत है, किसी कैफे की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं अपनी चार्जर एंड बैटरीज लगा रहा हूँ चार्ज करने के लिए, वहाँ पे बैठा हुआ हूँ यार आधे एक घंटे बैठे हुए, मेरी बैटरी कब फुल चार्ज होगी. मैं ट्रैवल करते करते जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं मैंने अपने इसको चार्जिंग पे लगा दिया, शूट किया, निकाला, फिर लगा दिया चार्जिंग पे. दैट्स हाउ आई कैन चार्ज माय निकॉन Z7 वेरी फास्ट. सो नाउ लेट्स गो टू द फील्ड एंड ट्राई दिस निकॉन Z7. आई एम नॉट श्योर बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो आई कैन से दैट आई रियली लव दिस कैमरा एज अ क्वालिटी वाइज और नॉट, बिकॉज मुझे चेक करना पड़ेगा यार, बिना चेक करे मैं कैसे बोल सकता हूँ. बट अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो फीचर्स एक्चुअली इम्प्रेस मी है कि इसके काफ़ी फीचर्स, जो फोकस टच फोकस वाला है या फिर फोकस रैप है या फिर आपका टाइम लैप्स स्मूथिंग है, क्योंकि आई लव टू शूट टाइम लैप्स. सो प्लस पोर्टेबल चार्जर से आप चार्ज कर सकते हो, सो विच इज़ ऑल्सो अनदर वेरी गुड ऑप्शन. सो आई रियली लव दिस कैमरा, मैं कि काफ़ी छोटा भी है, आप देख सकते हैं बहुत छोटा है. मैं कि हमें ना DSLR उठाने के तो बहुत बड़े बड़े लगते हैं, अब तो उंगलियाँ दर्द हो जाते हैं कई बार शूट करते करते. तो काफ़ी हैंडी है, काफ़ी छोटा है, इट्स टू गुड. सो let's go on the field and you will see some photograph clicked by Z7 after this. जब मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आपके स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएंगे कुछ फोटोग्राफ जो मैं Z7 से क्लिक करूँगा आज रमज़ान के जामा मस्जिद में. एंड यू विल ऑल्सो सी अ शॉर्ट टाइम लैप्स वीडियो जो मैं डे से नॉर्मल डे जो सनसेट से थोड़ा पहले वाला टाइम होता था उससे सनसेट तक का शूट जो मैं करूँगा जामा मस्जिद पे रमज़ान के वक्त. सो जस्ट एन्जॉय द वीडियोज़.